हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में मैं लेटर ई फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें आपको टू लेटर ब्लेंडिंग और कुछ सीवीसी वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अपने लास्ट वीडियो में मैंने लेटर ए फैमिली के जो वर्ड्स थे वो शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो आउट। तो ई लेटर फैमिली के वर्ड्स करवाने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप ए फैमिली के जो वर्ड्स हैं उससे स्टार्ट करिए। तो जब ए फैमिली के वर्ड से बच्चा थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा, फिर आप ई फैमिली जो है वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जब भी आप बच्चे को टू लेटर ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं या फिर सीवीसी वर्ड्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उससे पहले बच्चे को जो फोनिक साउंड्स हैं वो आना ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे को फोनिक साउंड्स अच्छे से आ जाती हैं, फिर आप टू लेटर ब्लेंडिंग या फिर सीवीसी वर्ड्स जो हैं वो बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। तो लेटर ई की जो साउंड है वो होती है ए। तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेटर ए और ई की साउंड्स में कई बार काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है। तो लेटर ए की जो साउंड होती है वो होती है ए, और लेटर ई की जो साउंड है वो होती है ए। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं, दिस इज ए, ए ड, एड, एग, एग, ए न, एन, ए ट, एट। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो ई फैमिली के टू लेटर ब्लेंडिंग है या सीवीसी वर्ड्स हैं वो बता रही हूँ। आगे चल के मैं आपको शॉर्ट ई और लॉन्ग ई के भी कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बट स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल सिंपल वर्ड से ही स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ताकि आपका बच्चा जो है वो अच्छे से फेमिलियर हो जाए। तो स्टार्ट आपको क्या करना है इनकी इंडिविजुअल साउंड से, और फिर बच्चे को आपको क्या करना है इन्हें बार बार बच्चे को रिपीट करने के लिए कहिए, दिस इज एड, एग, एन, एट। तो जब बच्चे को ये टू लेटर ब्लेंडिंग जो है वो थोड़ी बहुत पता चल गई है, फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ सीवीसी वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। अभी फर्स्ट जो है हम एड फैमिली के जो सीवीसी वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे अर्लियर आपने क्या किया कि दोनों लेटर्स की साउंड्स आपने इंडिविजुअल बताई, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को ये वाली जो टू लेटर ब्लेंडिंग है ये अब बच्चे को इसकी पहचान होगी होगी कि दिस इज एड। तो अब आपको क्या करना है कि एड के साथ एक लेटर अगर आप और जोड़ रहे हो तो ब एड बेड, फ एड फेड, ल एड लेड, र एड रेड, व एड वेड, ट एड टेड। तो अगेन यहाँ पे टेड जो है वो किसी का नाम है, इसलिए जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है। अगेन जब आप सीवीसी वर्ड्स करवा रहे हैं तो आपको हर एक इंडिविजुअल साउंड नहीं बोलनी है। आप ऐसे नहीं कहेंगे ब ए ड बेड, तो आपको बी लेटर की साउंड और इन दोनों लेटर्स की जो कंबाइंड साउंड है वो बोलनी है, ब एड बेड, फ एड फेड, ल एड लेड, र रेड, व एड ट एड। सो नाउ आफ्टर दिस वी हैव एग फैमिली, सो इट्स एग एग, ब एग बैग, ल एग लेग, प एग पैग, ए एन फैमिली, सो ड एन डेन, ह एन हेन, म एन मेन, प एन पेन, ट एन टेन, य एन येन, ज एन जेन, ब एन बेन, क एन कैन। तो अगेन यहाँ पे बेन और कैन जो है वो नेम है, तो इसलिए जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है। एट एट फैमिली, ब एट बेट, ग एट गेट, ज एट जेट, ल एट लेट, म एट मेट, न एट नेट, प एट पेट, स एट सेट, व एट वेट,
W at wet. Y at yet. तो अभी जैसे आपने सारी जो फैमिलीज़ हैं उनके वर्ड्स आपने इंडिविजुअली करवा दिए, तो अगेन आपको एक शीट बनानी है जिसमें आपको सिर्फ सीवीसी वर्ड्स लिखने हैं. फिर इसके साथ आप अपने बच्चे के साथ डेली प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक दिस इज एड एड ब एड बेड फ एड फेड ल एड लेड र एड रेड व एड वेड. तो आप क्या कर सकते हैं, पहले सिर्फ एड फैमिली के जो वर्ड्स हैं एक दिन वो करवाइए, अगले दिन आप एग फैमिली के, देन नेक्स्ट डे एन फैमिली के. तो एक एक दिन आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. और साथ ही साथ जो पिछले वर्ड्स हैं, लाइक अगर ई फैमिली के आप वर्ड्स करवा रहे हैं, तो उससे पहले ए फैमिली के वर्ड्स जो हैं उनकी रिविजन जो है वो डेली आप करते रहिए. तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप जिस तरीके से मैंने आपको वर्कशीट बताई हैं, आप उस तरीके से वर्कशीट्स बनाइए और अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कीजिए. आई एम श्योर आपके बच्चे जो हैं वो जल्दी ही टू लेटर और थ्री लेटर ब्लेंडिंग जो है वो सीख जाएंगे. तो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो. तो अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.